हाँ जी भाई, क्या गाड़ी टच कर गई 100, पता नहीं चला होगा आपको शायद। नहीं चला मगर डर लग रहा है भाई। सो भाई ये है शॉप जहाँ पे हम खाएंगे फिर चुस्की। तो ये हो चुका है रेडी। लो भाई खा के बताओ कैसा है, फाइनली मिल गया भाई। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक इन। फैल तो उतारना पड़ रहा भाई मास्क, कैसे बोला जाता नहीं है यहाँ पे। गोपाल भाई मेरे साथ में, कैसे गोपाल भाई? बहुत बढ़िया। तो भाई आज भाई दिल्ली की गर्मी ढूंढने के लिए क्या निकल रहे हैं हम लोग दिल्ली की गर्मी में चुस्की के लिए निकल रहे हैं। बर्फ के गोला, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम मैंने खाया था आई गेस जून में 2019 में मुंबई में खाया था मैंने बर्फ के गोला, वो भी मलाई गोला। एंड भाई क्या टेस्ट बताऊँ, अमेजिंग टेस्ट था वहाँ पे। जुहू बीच पर तो गोला मिलता है ना बर्फ का, बट भाई फिलहाल तो आज मेरे को लग रहा है कि भाई गोला खाया जाए, क्योंकि गर्मी है हो रही है बहुत ज़्यादा। एंड एक और चीज़ की, जो मेरा एसी है मेरे रूम का और ड्राइंग रूम का दोनों हो चुके हैं ख़राब। एंड जो मेरा वर्कआउट हमेशा मैं करता हूँ वो ड्राइंग रूम में, तो इस वजह से मेरे को वहाँ पर गर्मी लग रही है। एंड साथ ही साथ मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरा एसी ख़राब हो गया है। वर्कआउट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल भाई, एसी हो चुका है ख़राब। और भाई इतने पसीने पसीने आते हैं मतलब क्या बताऊँ। तो अब इस चक्कर में गाड़ी में आया हूँ एंड मैंने सोचा चलो भाई आज बर्फ का गोला खाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया खाए हुए। एंड मैंने भी तो कोई देखी भी नहीं यूट्यूब पे वीडियो की ट्राइंग बर्फ का गोला इन डेली, तो दी चलते हैं ठीक है। एंड ढूंढते हैं बर्फ का गोला कि कहाँ मिलता है बिल्कुल बढ़िया सा टेस्ट में। अगर कहीं मिल जाए ना तो 3-4 जगह खा लेंगे। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को एंजॉय करो, कंटिन्यू करते हैं आज के इस व्लॉग को। एंड दिस द वीडियो फाइंडिंग बर्फ का गोला इन न्यू दिल्ली। सो कंटिन्यू करते हैं आज के इस व्लॉग को। सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, आई एम व्लॉग्स बैक हियर। एज यू गाइज नो कि भाई बिना कॉफ़ी पिए तो मेरा दिन होता ही नहीं बिल्कुल स्टार्ट। तो फिलहाल तो आ चुका हूँ स्टारबक्स में, कॉफ़ी चिकन सैंडविच। एंड गोपाल भी कॉफ़ी पी रहे हैं एंड चिकन सैंडविच ठीक है। उसके बाद जल्दी से जाएंगे चुस्की खाने के लिए, क्योंकि चुस्की की ना जैसे आज क्रेविंग सी हो रही है कि चुस्की खानी है ठीक है। तो लेट मी फिनिश दिस थिंग, आपको फिर इसके बाद सीधा मिलता हूँ। एंड जो कॉफ़ी मतलब कर कॉफ़ी के बिना तो दिन स्टार्ट ही नहीं होता मेरा। सो गोपाल जी आपको पता है कुछ आइडिया कार्ड कब कैसा हो चुका है भाई? बिल्कुल भी नहीं पता अभी तो। चलो एक बार दिखा देता हूँ बस को जाने तो, क्योंकि ये ना थोड़ा सा पैच खाली मिलता है हमेशा, तो वो बस चली जाए और थोड़ी सी ट्रैफिक पीछे से खाली हो जाए फिर दिखाते हैं गोपाल भाई को। चलो हाँ जी भाई, गाड़ी टच करगी 100, पता नहीं चला होगा आपको शायद। नहीं चला मगर डर लग रहा है भाई। सही पिकअप हो गया मेरी कार का, पहले से बहुत ज्यादा फर्क है ना, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये बैठ रहे हैं कार के अंदर बहुत टाइम बाद, तो कुछ ऐसा हो चुका है कार का पिकअप, अमेजिंग, बहुत एक नंबर अमेजिंग। चलो मतलब कार का जो एक्सीलरेशन एकदम से पूरा बूस्ट कर जाता है, क्या बताऊं, अमेजिंग। आवाज भी चेंज हो गया भाई। हां बिल्कुल ही। इसमें लगवाऊं एग्जॉस्ट? एग्जॉस्ट भाई लगवाया जाए? बिल्कुल ही। चलो देखते हैं भाई। तो भाई ये पूरा एरिया NSP है जो आप देख रहे हो ठीक है। एंड यहाँ पे एक शॉप नंबर दिखाना, शॉप नंबर था G16 अग्रवाल टावर मिलेनियम 1। एंड मैंने गूगल किया था कि कहाँ पे मिलता है बिल्कुल डेली का बेस्ट बर्फ का गोला, तो मेरे को उसे शो करा यहाँ पे आके मैंने कंफर्म करा कि शॉप कहाँ है। उन्होंने बोला शॉप तो बंद हो चुकी है, उसकी जगह खुल चुकी है ज्वेलरी शॉप पता करा तो, बट यहाँ उन्होंने बोला यही तो शॉप थी पहले बर्फ के गोली वाली, अब वो हो चुकी है 1 साल पहले बंद। अब तो फिलहाल ये सीन है कि देखें बर्फ का गोला कहाँ मिलता है। बट भाई वन थिंग कि मेरे पास फिलहाल अभी गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, कौन सी बताऊँ पहले? पहले गुड न्यूज़ ऑब्वियसली है, पहले बैड बताता हूँ उसके बताता हूँ गुड न्यूज़ ठीक है। बैड न्यूज़ इसकी जो बर्फ के गोला की लोकेशन है वो यहाँ से लगभग है 15 से 20 किलोमीटर। बिल्कुल भाई कोई बात नहीं। अब गुड न्यूज़ बताऊँ मैं, बर्फ का गोला खाने जा रहे हैं दूर ठीक है। जो लोकेशन है वो है इंडिया गेट के पास ही, तो फिलहाल वहाँ से चलते हैं। बट एक और दिक्कत है कि शॉप है वो खुलती है फिलहाल तो वहाँ पे 7 PM, तो अभी जल्दी से जाते हैं पहले घर पे, थोड़ा सा करते हैं वर्कआउट, उसके बाद चलते हैं सीधा खाने के लिए बर्फ का गोला। एंड मैं पहली बार देख रहा हूँ जिम ट्रेनर को जो इतना खुश है बर्फ का गोला खाने के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा इतनी चीनी भी नहीं होती है ना, बट स्टिल भी आप मेरे को मना नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा घर करेंगे वर्कआउट। अच्छा उसके बाद रात को बर्फ का गोला खाएंगे। बिल्कुल। तो ये पूरा फिलहाल तो सीन है, जल्दी से जाता हूँ पहले घर पे करते हैं वर्कआउट। फिलहाल टाइम हो रहा है 5:23 PM, तो जल्दी से जाएंगे पहले घर पे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे एंड जाएंगे इंडिया गेट बर्फ का गोला खाने के लिए। आई थिंक मेरे घर से लग जाएगा 45 मिनट्स पहुँचने के लिए इंडिया गेट, तो होपफुली आज बर्फ का गोला खा के ही आएंगे, कुछ भी हो जाए आज मान रखा कि खाना ही खाना है। तो चले जल्दी से घर, चलो भाई चलते हैं पहले वर्कआउट करते हैं। 2 hours later. सो 7:30 PM तो हो चुके हैं भाई, जो वर्कआउट है हमारा हो चुका है डन, बहुत ज़्यादा सही वर्कआउट करवाया मेरे को भाई ने। अब खाने फिलहाल जा रहे हैं हम बर्फ का गोला इंडिया गेट पे, चले भाई? बिल्कुल चलते हैं। आज जब मम्मा मेरे को उन्होंने कहा था कि आज के लिए थोड़ा वर्कआउट ध्यान से, क्योंकि पूरा मम्मा ने ड्राइंग रूम में थोड़ा चेंज करा है, ऐसे तो ये चीज़ है पहले वहाँ थी तो पूरा चेंज करा है। एंड एक और चीज़ के जो AC है वो हो चुका है अब ठीक, थोड़ा यहाँ से प्लग है ये ख़राब हो गया था बट प्लग हो चुका है चेंज आए, अब AC बढ़िया हो चुका है ठीक है। तो अभी जल्दी चलते हैं खाने बर्फ का गोला, आई कांट वेट।
तो मैंने फिर कॉल कर दिया था एक बार कि भैया शॉप ओपन है, तो मैंने बोला ओपन है जल्दी से आ जाओ, तो मैंने बोला चलो जल्दी से चलते हैं चले बिल्कुल। एंड बीच में मेरा एक फ्रेंड भी जो मेरे को बोल रहा था मेरा हाथ चलेगा, तो उसको भी जल्दी से पिक करते हैं, आपको मिलवाता हूँ फ्रेंड मेरा कौन सा है चले बिल्कुल। चलो सो भाई फिर आते हैं, यहाँ पे आ चुका हर्ष जो कि खाने आ रहा है, मैंने बर्फ पे बोला ठीक है ना भाई। हाँ भाई चलते हैं आ जाओ। भाई भाई का आ जाए रिजल्ट 12th का, कितने परसेंट आए? 74 भाई। मैं तो बेस्ट 4 में, बेस्ट 4 में 74%। हाँ भाई। एंड भाई ने फिर खरीद के साइकिल मेरी गाड़ी के कॉपी कलर में, नहीं यार है ना, ये देखो ये इसने लिया है, मतलब ये साइकिल लिया है तूने, मेरे को नहीं देने दी ना, साथ में बोल रहा साथ चलते हैं भाई, लेट हो गया बस अब क्या करें। तो भाई इसने लिए दो साइकिल मिलने दी थी हमें। तो इसके स्पेक्स क्या हैं भाई? रिमोट लॉकआउट ओके okay. और भाई हाइड्रोलिक ब्रेक, आई थिंक ये मेरे दोस्त की साइकिल में भी सेम स्पेसिफिकेशंस हैं। हाँ, है ना। हाँ, बट उसके टायर मोटे हैं। हाँ, अच्छा और क्या लाया भाई इसके अंदर? डियोर है भाई, ठीक है, आगे एल्टोस है। ओके okay. तो मतलब भाई को मिल गया बिल्कुल सही वाले रेट के अंदर, तो इससे ले आया जल्दी जल्दी, और कलर भी सेम है ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो भाई अब जल्दी से आते हैं खाने बर्फ वाला, चल तो भाई। सुबह फिलहाल तो वी रीच इंडिया गेट, देखो पीछे मेरे है इंडिया गेट जैसा आप देख पा रहे हो, एंड यहाँ पे हर्ष है, यहाँ पे है गोपाल भाई। भाई तुम तो आते रहते हो ना इंडिया के साइकिलिंग राइड पे? हाँ। ओके तो फिलहाल तो भाई अभी चुस्की हम खाने वाले हैं, देखो पीछे तो ये रही शॉप चुस्की की, यू कैन सी, एंड लिटरली भाई मुंह में पानी आ रहा है चुस्की देख देख के। तो चले भाई जल्दी से, चलो भाई चलते हैं चलो। सो भाई ये है शॉप जहाँ पे हम खाएंगे फिलहाल तो चुस्की। कौन कौन से मिल जाएंगे फ्लेवर्स भाई? सर काला खट्टा है, खट्टा मीठा है, मीठा है, रोज खस, ऑरेंज, मैंगो। कौन सा खाओगे भाई? मेरा तो भाई काला खट्टा है। तेरा भाई? रोज। रोज भाई, एक काला खट्टा एक रोज़, और भाई मेरा बिल्कुल बनाओ अच्छा सा मीठा सा, मेरे को वो नहीं चाहिए खट्टा, ठीक है। तो भाई देखो ये बर्फ़ आ चुकी है भाई, बर्फ़ कौन से पानी की? फिल्टर पानी की है, फिल्टर पानी की, ठीक है भाई। और एक कोले की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपीज़ का एक कोला है। तो ये हो चुका है रेडी, लो भाई खा के बताओ कैसा है, फाइनली मिल गया भाई। सुबह से ढूंढ रहे थे भाई, भी कर लिया, ट्राई करते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। करो ट्राई कैसा है? बढ़िया। ये अब इसका बनाओ रोज। सो हर्ष भाई तेरा रोज रेडी है, बता खा के कैसा है? बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब ये बन रहा है मेरा, कौन सा बनाओगे भैया? मेरा फ्लेवर आपका स्वीट मीठा है ना? हाँ जी। सो भाई देखो ये है मेरा गोला मीठा जी। चलो भाई अब देखो मैं खा के बताता हूँ, पकड़ना भाई इसको एक बार, देखते हैं कैसा है टेस्ट में ये, लेट्स सी भाई। इसके लिए वेट कर रहा था लास्ट में एक हफ्ते से कि भाई ये मिल जाए बर्फ़ वाला, मतलब आत्मा को शांति मिल गई क्या बोल सकते हैं, और क्या बोलूँ, मतलब अमेजिंग है भाई। भाई गोला खा के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, तेरे को आया भाई? बहुत बढ़िया था भाई। कैसा लगा भाई? दो खाए हैं भाई मैंने, दो खाए हैं इन्होंने, दो खाए हैं भाई ने, एक खाया। हाँ भाई मैंने एक ही खाया। और आपने खाया था पहले काला खट्टा, उसके बाद मीठा खाया? मीठा। फिर मैंने काला खट्टा खाया, मैंने मीठा खाया, भाई ने सिर्फ रोज़ खाया। तो भाई कैसा लगा तेरे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ 10 रेट कर, एक काम कर भाई, 10/10 है भाई। मैं अभी आ रही हूँ, मैं इतना दूर से खाने के लिए इसको तलब रहा था ना कि भाई गोला चाहिए, गोला चाहिए भाई, मजा आ गया खा करके। आपको कैसा लगा? 100। थैंक यू सो मच भाई, भाई ने बोला सही गोला बनाया था, मतलब मजा आ गया खा करके। A few moments later. तो भाई आज तो ना मतलब आत्मा को संतुष्टि मिल गई खा करके बर्फ के गोला। लगभग मेरे घर से था 30 किलोमीटर बर्फ के गोले की लोकेशन जो कि थी इंडिया गेट पे, बट यार लिटरली वर्थ था क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था क्योंकि लास्ट मैंने खाया था मुंबई में, वो भी खाया था मैंने मलाई गोला। एंड भाई वहाँ का जो टेस्ट है ना मुंबई के गोले का, वो भाई आज तक मेरे को अभी दिल्ली में नहीं मिला, पता नहीं क्यों, बट मैं स्टिल अभी वो वाला टेस्ट ढूंढ रहा हूँ दिल्ली के अंदर। एंड भाई ऐसे खत्म होगा ना ये जो भी चल रहा है कोविड, ऐसे खत्म होगा फिर मैं जाऊँगा मुंबई, एंड मुंबई जाकर के भाई सबसे पहले मैं खाऊंगा वहाँ पे पाव भाजी, ग्रिल सैंडविच वो भी चीज़ के साथ में, एंड फिर खाऊंगा मैं मलाई गोला जुहू बीच पे, मतलब मुंह में पानी आ रहा सोच सोच के। सो मिलता हूँ आपसे कल सुबह 11:30 एक और डेली ब्लॉग में, टिल देन बाय, सब्सक्राइब करना भाई ब्लॉग्स को, एंड चेक करते हैं बेल आइकन को। मिलता हूँ आपसे कल सुबह 11:30 एक और डेली ब्लॉग में, टिल देन बाय, एंड गाइस आल्सो स्टे सेफ, बाय।